इसके रिएक्शन के ऊपर इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जो गवर्नर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई कि पहले आप अपने लोगों को बेसिक नीड्स पूरी करें, उनको आप फीड करें, फिर आप इन इश्यूज पर बात करते अच्छे लगते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। वहां के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सिडनी का ऑडिटोरियम एक चाय वाले का बेटा जब टक टक करके रेड कार्पेट पे चलता है और फिर वो जा करके लोगों का वाह वाह ही सुनता है और जब फिर वो मंच पर चढ़ता है, स्टेज पर चढ़ता है और लोग मोदी मोदी चिल्लाते हैं और ना जाने कितनी ह्यूज भीड़ रही थी, गैदरिंग रही थी और लाखों के ऊपर मुसलमान थे वहां पर और तिरंगा झंडा लहरा रहे थे। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड इनफैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल में ही इंडिया के कश्मीर में G20 का एक इवेंट होना था जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने जी जान लगा दिया। हालांकि जी जान लगाने से क्या होता है, अगर आप उसमें सक्सेस ही ना हो पाए तो पाकिस्तान ने जी जान लगाकर इस इवेंट को रोकने का कोशिश किया, लेकिन पाकिस्तान को इसमें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान जिस तरह से इस इवेंट को इंडिया में होने से रोकना चाह रहा था, इससे ये तो पता ही था कि इंडिया भी ज़रूर इस बात पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगा। तो अब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी इस इशू को लेकर रिस्पॉन्स आ चुका है, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के LG श्री मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए या फिर यूँ कहिए कि पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए कहा कि पाकिस्तान पहले अपने लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करे, फिर कश्मीर की बात करे। मनोज सिन्हा का ये बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिल में खंजर की तरह चुभा और पाकिस्तान के लोग इसे सुन के बौखला गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको हम दिखाते हैं पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन। कि इंडिया के एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, क्या पाकिस्तान की पब्लिक उससे एग्री करती है? क्या पाकिस्तान में बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा और मकान पूरे किए जा रहे हैं जो हम कश्मीर की बात करते हैं? पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमर जावेद है जी। क्या करते हैं आप? मैं जी एक कंपनी में हूँ, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, वहाँ होता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। जो टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे पहले सवाल एक करूँगा, उसके बाद आपको टॉपिक बताऊँगा कि क्या पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान जो इंसान की बेसिक ज़रूरियात हैं, क्या वो पूरी हो रही हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरी हो रही हैं। रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो अब सिर्फ अपर क्लास के पास रह गए। जो मिडिल क्लास है वो भी इसकी पहुँच से दूर हो गया है और लोअर क्लास तो आपको पहले ही पता है कि वो पिस गया है। ठीक हो गया। अब टॉपिक ये है, क्वेश्चन आज का जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर में गए हैं, वो उनका जाने का मकसद ये है कि इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हो रही है टूरिज्म को लेकर, जिसको अपोज करने के लिए वो कश्मीर गए और वहाँ पर रैली निकाली। इंडिया के जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आप पहले अपने घर को देखें, अपने घर के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी कर लें, फिर इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना। तो क्या उनकी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? देखें जी, उनकी स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि जी आप पहले अपने घर की तरफ देखें। बेसिकली रोटी, कपड़ा और मकान का नारा भुट्टो ने दिया था, ठीक है। भुट्टो को मरे हुए आपको पता है कितना अरसा हो गया है, लेकिन अभी भी सिंध में जिए भुट्टो और भुट्टो जिंदा है। और जब तक ये भुट्टो जिंदा रहेगा ना, मेरा नहीं ख्याल कि ये रोटी, कपड़ा और मकान जो है ना है, ये आवाम को दे पाएंगे। आप सिंध का हाल देख लें, गुरबत से मरती जा रही है लेकिन भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो जी, जब तक ये लोग बरसरे इक्तदार रहेंगे ना, तो भुट्टो को जिंदा ही रखेंगे, और जब तक भुट्टो जिंदा रहेगा अवाम मर जाएगी। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब उन्हीं के मतलब आगे नस्ल से हैं, नाना थे जुल्फकार अली भुट्टो, बिलावल अली भुट्टो, बिलावल भुट्टो साहब के। तो क्या आपको लगता है 75 साल से हमने कश्मीर, कश्मीर का नारा लगा के, रैलियां निकाल के, कश्मीर डे की छुट्टी मना के, जो उनसे पाकिस्तान का नुकसान किया, प्रैक्टिकली कश्मीरियों को हमने कोई फ़ायदा या सच नहीं दिया? कश्मीरियों को बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं मिला। कश्मीरियों को मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम कश्मीर डे मनाने बैठ जाते हैं और ये चीज़ें करते हैं 75 साल से। देखें जी, सबसे पहली बात ये कि कश्मीर का फ़ैसला जो है ना वो हो जाना चाहिए था पहले ही। अगर नहीं हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीरियों की हक़ के राय। देखें जी, मैं साफ सी बात करूँगा, कश्मीर वाले, कुछ कश्मीर वाले ख़ुद भी नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो तो नहीं चाहेंगे। बहरहाल
पाकिस्तान साइड कश्मीर वालों की आप बात कर रहे हैं, इंडिया साइड कश्मीर की बात करें, जो इस टाइम पाकिस्तान में कंडीशन चल रही है, अगर उन्हें ऑफर मिले भी तो क्या वो आना चाहेंगे यहाँ पे, जहाँ पे एक साइड पे उन्हें पेट्रोल मिल रहा है 90 रुपीज़ लीटर, एक साइड पे उन्हें मिलेगा तकरीबन 270-280 रुपये लीटर, वो आना चाहेंगे? एक साइड पे आटा उन्हें 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो मिल रहा है, और दूसरी साइड पे उन्हें मिलेगा तकरीबन 150 रुपये किलो, तो वो आना चाहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे। मकबूजा कश्मीर के लोगों को भी पता है कि जो पाकिस्तान का जो इस वक्त करंट सिचुएशन जा रही है इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, तो वो लोग जो है ना ऐसे झगड़ों में पड़ेंगे ही नहीं। कौन चाहेगा कि जी, कौन चाहेगा कि 30 रुपये किलो प्याज छोड़ के तो आप 300 रुपये किलो प्याज लें, ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल। बाकी ये जो बिलावल भुट्टो जो करना चाह रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, इन लोगों ने ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपको नहीं लगता कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हम बिलावल भुट्टो का सिर्फ नाम नहीं लेते, हमारे प्राइम मिनिस्टर ले लें, हमारे इवन इमरान खान साहब की बात कर ले, ये अगर नारा लगाते हैं कश्मीर का, अगर जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं तो वो पाकिस्तानी पब्लिक की सोच के मुताबिक देते हैं कि भाई इन्हें पता है कि इन्हें नारा नूरा लगा के जज्बाती स्टेटमेंट दे के पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कह के तरखा देंगे, डेवलपमेंट की कोई बात हो ना हो ये पूछेंगे ही नहीं, वोट ले लेंगे बस। देखें मेरी बात सुने, बात वही आती है कि कश्मीर का इशू जो है ना, वो मैं अब आपको आपसे क्या डिस्कस करूं, कश्मीर की बात जो है ना वो जिस सतह पे ये लोग करते हैं ना जाके, मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर के मसले को हल कर पाएंगे। और ये जो कश्मीर के नाम का जो वोट या कश्मीर के नाम के जो नारे लगा रहे हैं, ये सब खोखले हैं। कश्मीर पर जो है ना, बात यह है कि अवाम तक तो कोई बात, कश्मीर के ख़ास तौर पे अगर हम कश्मीर को देखें ना, तो अवाम तक कोई जो है ना कश्मीर के ऊपर बात अवाम तक ठीक तरह से पहुंचती नहीं है। अब बड़े सतह पे, बड़े लेवल पे क्या सौदेबाजी चलती है, क्या डील होती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ये जो है ना, किसी इदारे का तो हम नाम नहीं लेंगे, हमारे इदारों ने, हमारी पाक फ़ौज ने कश्मीर के लिए बहुत सी जानें जो हैं वो कुर्बान भी की हैं। और मेरा ख्याल है कि अब तक जो हमारा ये कश्मीर बचा हुआ है, ये पाक फ़ौज की वजह से ही बचा हुआ है। हम अगर हम पॉलिटिकली जाएंगे तो हमारे ये जो जितने भी हुक्मरान हैं ना, ये अगर आज चाहें ना, अगर फ़ौज का अमल दखल ना हो, तो ये कश्मीर को हाथों हाथ बेच दें। ये पाकिस्तान को बेच गए हैं तो कश्मीर तो फिर कश्मीर है, पाकिस्तान को बेच रहे हैं ये एक किस्म का। आपके कहने के मुताबिक पाकिस्तान को ये बेचने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल बेच रहे हैं। आप देखें ना कि आप वो जरदारी की पुरानी तकरीर उठा लें, तो वो यही बात कर रहा था कि जी जैसे बांग्लादेश बना, पाकिस्तान टूटा, हम इसी तरह से सिंध को भी तोड़ लेंगे, अलहदा कर लेंगे। पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करते हैं ये, इनके मुंह से कभी आप पाकिस्तान के जोड़ने की बातें आप किसी भी हुक्मरान के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। ऐसा क्या किया जाए? देखें मैं अपने तौर पे एफर्ट कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में यूनिटी आए, पाकिस्तान के लोगों को जो रियलिटी है उसका पता चले, सिर्फ नारे, जज्बाती बातें, जज्बाती स्टेटमेंट से आगे निकल के प्रैक्टिकली कुछ करें, ये सोच पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में आ भी सकती है या नहीं आ सकती? हम ये बस ऐसे ही चलते रहे, ये ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से यूनिटी अब बहुत मुश्किल है। आप ये देखें, उम्मीद तो अच्छे की, देखें मैं उम्मीद अच्छे की होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कहते हैं कि जैसे जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। अब आवाम आपस में ही मुत्तहिद नहीं है तो हुक्मरान कैसे होंगे? हम आवाम को चाहिए कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं, और जो हक सच के लिए खड़ा है, हक सच के लिए लड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, हम उसका साथ दें, ना कि हम जो है वो बैरूनी ताकतें हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो साजिशें करती हैं और हम इस साजिश का हिस्सा बन जाते हैं। कौन सी बैरूनी ताकतें हैं? मतलब हम, मैं भी बचपन से ये सुनता आ रहा हूँ कि जी बाहर जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बाहर से बैरूनी ताकतें हैं, साजिश हो रही, ये कौन? देखें जी, सबसे पहली बात ये मैं आपको बताऊँ कि अमरीका और इसराइल का जो गठजोड़ है ना, वो पाकिस्तान में साजिश करता है। सबसे ज्यादा साजिश कर रहा है वो इसराइल कर रहा है। इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान नजर आता है साजिश के लिए। पाकिस्तान इसलिए नजर आता है क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ पे जो है ना, हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है इस मुल्क को, इन नेमतों से हम अपने आप को मुस्तफीज तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। हम लोग अगर अपनी इन नेमतों को, ये जितने भी मादनियाँ आते हैं, यहाँ सोना यहाँ पे है, ऑयल यहाँ पे है, और बहुत कुछ है यहाँ पे, जो अगर हम लोग इसको जो है वो अगर हम इसको फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि IMF से हमने इतना कर्जा ले लिया है, और कर्ज़ा सारे ये हुक्मरान खाते हैं IMF से कर्ज़ा लेने के बाद। अगर हम IMF
को IMF ने चुके हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रखी हैं और हम उन्हीं के कहने पे चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में मुझे ये बता दें, जैसी स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो साहब ने दी या रैलियां वगैरह निकालते हैं, इससे इंडिया को कोई फर्क पड़ता है? उल्टा इंडिया के लोग क्या हंसेंगे नहीं कि यार ये क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली कुछ? देखें जी, बात यह कि बिलावल साहब इंडिया गए, इंडिया जाके कौन सा तीर मार के आ गए हैं? जब इंडिया जाके कोई तीर मार के नहीं आए, उल्टा जलील होके आए हैं। आई एम सॉरी टू से, मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा। देखें, बात यह है कि ये अभी भी जो है ना समझ नहीं रहे और मेरा ख्याल है कि वो लोग ठीक कह रहे हैं कि भाई पहले अपने मुल्क को तो संभालो। ये लोग इतने जाहिल हैं कि ये लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन आपका इंडिया है, और इंडिया अगर इस तरह की बात करे, इन सबको चाहिए कि मुत्तहिद हो जाए, मुत्तहिद होकर एक पेज पे आके पहले अपने दुश्मन को जवाब दें। अंदरूनी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन ये दुश्मनों की बातों, दुश्मनों को तो तक जा नहीं रहे, लेकिन ये अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में इतने मगन। एक बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, अभी एक मिनट पहले आप कह रहे थे कि अमेरिका और इसराइल ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अभी आपने बोला कि जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इंडिया है। मतलब हम खुद नहीं कंफ्यूज? एग्जैक्टली, देखें मेरी बात सुने, दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन आपके आपके खिलाफ एक हो जाता है, तो जब दुश्मन यहाँ साजिश करेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रिय लीडर है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं। आप कुछ दिन पहले, दो दिन पहले की बात आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने उनको कहा मोदी इज द बॉस, लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं मोदी को, ये उनका कहना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के प्रधानमंत्री के लिए और हम लोगों के लिए इतना बड़ा, इतने बड़े फक्र की बात है कि हम ऐसे देश की बेटी हैं जिस देश का प्रधानमंत्री हर एक कंट्री में सर उठा करके जा रहा है और इज्जत, शोहरत और रिस्पेक्ट ऐसी चीजें बटोर करके लेके आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात है, जैम पैक सिडनी ऑडिटोरियम, जैम पैक सिडनी गैदरिंग, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब अपनी स्पीच रखी है तो उन्होंने वहां पर मतलब सिडनी हैरिस पार्क के बारे में कहा है, जिसको वहां की गवर्नमेंट ने, सिडनी हैरिस पार्क को वहां की गवर्नमेंट ने लिटिल इंडिया पार्क का नाम दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सोचो कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हिंदुस्तान से जा करके ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के ऑडिटोरियम में वहां पर खाने के बारे में बात कर रहा है, वहां पर चाट के बारे में बात कर रहा है, वहां के इमोशनल चीजों को भी टच कर रहा है। मतलब एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान में अगर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सोचा, जिसने शौचालय के बारे में सोचा, जिसने कूड़े करकट को साफ करने के बारे में सोचा और साथ साथ उन नेताओं को उड़ाकर फेंकने के बारे में भी बात कही हिंदुस्तान के लाल किला से कि भाई ना हम खाएंगे ना हम खाने देंगे, क्राइम मुक्त हम ये देश बनाएंगे। तो एक ऐसा भारत का प्रधानमंत्री जिसकी बातों को सुनने के लिए उस ऑस्ट्रेलिया देश में बाहर बाहर से भी लोग आए थे कि मुझे सुननी है इनकी बातें, क्योंकि इनकी बात में इतना दम और इतना दबदबा होता है। साथ ही साथ उन्होंने शॉन के डेथ के बारे में भी बात कही कि जिस तरह से डेथ हुई थी उनकी, तो हम सब उनके साथ थे। तो सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सिर्फ सुख के साथी नहीं है, हम दुख के साथी भी है। साथ में उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में भी बताया कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया कंट्री के विभिन्न जगहों पर, बहुत मल्टीपल जगहों पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है और बहुत धूमधाम से मनाया गया है, उसके लिए भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया था सिडनी के और ऑस्ट्रेलिया के लोगों के, वहां की गवर्नमेंट को बहुत अप्रिसिएशन मिला है, बहुत अचीवमेंट मिला है। लेकिन हमारा फोकस आज भी यही है कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, इस धरती पर जितने भी देश हैं, हम उन सब से बहुत अच्छे से, बहुत इखलाक के साथ मिलें और अपने ताल्लुकात बहुत खूबसूरत बना करके रखें, और इन सब खूबसूरत ताल्लुकात की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान की तरक्की हो रही है, आज हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। आज हिंदुस्तान को जो धमकियां दिया करते थे न्यूक्लियर बॉम्ब की, जो अजमल कसब जैसे लोगों की धमकियां दिया करते थे, जो ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों की धमकियां देते थे, जो अलकायदा जैसे लोगों की धमकियां देते थे, आज उनका लूज मोशन स्टार्ट हो चुका है, उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या करना है। बौखलाहट तो ऐसी मची हुई है बिल्लो रानी के अंदर कि भाई वो संभाल नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि G20 कश्मीर की मीटिंग को लेकर के 21 से 23 और फिर 24 से 28 उन्होंने POK में अपनी मीटिंग जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा दी है। अब भाई उनको तो पता है कि हमारी हमारी पूरी की पूरी नजर जो है वो POK पर है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने साफ लफ्जों में कह दिया था, G20 की मीटिंग जो गोवा में हुई थी उसने साफ लफ्जों में कह दिया था कि भाई साहब इस टेररिज्म कंट्री को हम तो सम्मान देने वाले हैं नहीं,
और 370 की बात अब इतिहास हो चुकी है, अब तो नया मुद्दा हमारे पास है पीओके। तो अभी बहुत उत्तेजित है, लेकिन बात ऐसी है कि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां मुसलमान मर रहा है और मुसलमान मार रहा है। पाकिस्तान अब एक ऐसी कंट्री हो चुकी है जहां पर लोग कद्दू आटा चावल भिंडी चोरी करने के हालात मचे हुए हैं। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की तुलना करना मतलब जमीन और आसमान का फर्क हो जाता है। तो हम लोग बहुत खुश हैं आज मौन भरत की सरकार जाने के बाद से, ये 56 इंच की जो सरकार आई है, वाकई में भारत की बेटियों का सीना सच में 56 इंच का हो गया है। नाजिया जी, इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट दी जा रही है, और उनको आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड लीडर बनते जा रहे हैं। आप इंडिया का क्या फ्यूचर देख रही है कि आने वाले टाइम में दोबारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा से सीट संभाल लेंगे या कोई और जो है अपोजिशन पार्टी सीट को संभालेगा, क्या समझती हैं? देखिए, ये तो जिसने जो भी सोच रहा है कि कोई और अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन है का कौन है उनके टक्कर का, कौन है उनके बराबर का? और ये तो जनता का फैसला है। जनता चाहती है कि मोदी जी बस बैठे ही रह जाएं उस चेयर पर, वहां पर से ना उठे। एक बात मैं और आपको कहूंगी कि देखिए, इंसान की शक्ल सूरत जिस्म का स्ट्रक्चर इंसान को अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक और रेनाउंड नहीं बनाता है। हम बहुत छोटी सी एक मिसाल मैं देना चाहूंगी कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत गोरी होती हैं, बहुत अच्छा फिगर होता है, पर वो फ्लॉप हो जाती हैं, और कोई 10 की रंग की लड़की जो है वो बहुत हिट हो जाती है, तो एक्टिंग बहुत महत्व रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उसी तरीके से आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो लोकप्रिय ऐसे नहीं बने हैं, अपने कारनामों से, अपने काम से, अपने अचीवमेंट से, अपने। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात करते हैं G20 मीटिंग की, तो वहाँ पर पाकिस्तान और चाइना नहीं गए, बायकॉट कर दिया गया था। आपको क्या लगता है कि बायकॉट करके पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ है, क्योंकि चाइना तो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है? बेसिकली चाइना तो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, पर हम नहीं है ना। हम जिस कंट्री में इस वक्त रह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान नहीं गया तो ना जाके पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाई है। हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप बेहतर जानती हैं कि इसी कंट्री में से अलग हुआ 1971 में बांग्लादेश। जब बांग्लादेश इसी कंट्री से अलग हुआ, आज बांग्लादेश का एक टका, जब हम कहते हैं अक्सर लोगों को तो टकेदार बंदा नहीं है, एक टका जो है वो पाकिस्तानी 2.62 रुपये का। हम इतने इकोनॉमिकली वीक हो चुके हैं, तो हम किस मुंह से वहाँ पे जाते हैं? हम इकोनॉमिकली वीक इस कदर हो चुके हैं, कि हमारे पास खाने को आटा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम अपने लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं लोगों को कि हम लोगों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, हम लोगों को अच्छा इलाज दे सकें। हमारा, आप यहाँ से हिसाब लगा लें, हमारा 3 दफ़ा यहाँ से हमारे लोगों ने मुंतखब किया अपने वज़ीर आज़म को, नवाज़ शरीफ। हम ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जहाँ पे नवाज शरीफ साहब अपना इलाज करवा सकते, उन बेचारों को भाग के बाहर इलाज करवाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन जो G20 की मीटिंग इस वक्त इंडिया में शुरू हो चुकी है, वहाँ पर बाकी ममालिक तो बहुत खुशी से गए हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, चाइना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर पाकिस्तान को बाकी मुल्कों से मिलना चाहिए, अपनी बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। जी, हम बाकी मुल्कों में देखें, जब आप 4 दोस्त होते हैं ना, आप 4 दोस्त जब कहीं पे बैठते हैं, 4 दोस्तों की रीयूनियन होती है ना, तो सब अपने अपने हालात बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, पाकिस्तान से जब बिलावल भुट्टो साहब जाएंगे, वो जाके क्या बताएंगे कि हम इस मुल्क की सबसे बड़ी एक जमात को टारगेट कर रहे हैं, हम लोग उस अकेले बंदे से डर के इलेक्शन नहीं करवा रहे, हम लोग उस एक बंदे को खुडे लाइन लगाने के लिए, उसको कॉर्नर करने के लिए अपनी मईशत को तबाह कर बैठे हैं, किस मुँह से जाएंगे? हमारे पास हकीकत बात यह है कि हमारे पास दूसरे मुल्कों से आंखें मिलाने के लिए रहा क्या है? ईरान हमें पेट्रोल सस्ता दे रहा है, अब जाके पता चला है 3-4 महीने हो गया ईरान हमें पेट्रोल सस्ता दे रहा है, और ईरान हमें तकरीबन पाकिस्तान के 18 रुपये के हिसाब से पर लीटर पेट्रोल दे रहा है। यहाँ तो कीमतें बढ़ गई हैं, सस्ती नहीं हो रही, करप्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कहेंगे इंडिया को जाके, इंडिया में जाके कि भाई हम इकट्ठे, हम लोग आज़ाद हुए थे, लेकिन आप लोग सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, हम सिर्फ अपडेट कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बात हमेशा कश्मीर के मुद्दे की आ जाती है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्यों रखवाई, श्रीनगर में क्यों रखवाई है, आप ये मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के लिए हमने क्या किया है जो जम्मू एंड कश्मीर पीछे रह गया?
अच्छा इस ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन है किया है आज़ाद कश्मीर या जम्मू कश्मीर के हवाले से। बेसिकली देखें जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ जो लोग हम नारे लगाते थे ना हम भी लगाते थे। हमने अपनी सोशल स्टडी के अंदर पढ़ा कि कश्मीर हमारा हम लेके रहेंगे यार कश्मीर को अलग ही रहने दो हमारे से अपना मुल्क नहीं संभाला जा रहा। कश्मीर को एक आज़ाद रियासत का हक मिलना चाहिए। हमें नहीं चाहिए पहले अपने मसले तो हल कर लो। खान साहब आए थे मुझे खुशी हुई थी उसने आके इंडिया के साथ अपने सारे कारोबारी ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया था। क्या हुआ बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पे जाते हैं जलील होते हैं वहाँ पे नारे लगते हैं किसी ने इन्हें मुंह नहीं लगाया। हम तो उनसे तजारती ताल्लुकात बंद करके बैठे हुए थे कि यार जब तक तुम वहाँ से अपनी शिक हटा नहीं लेते कश्मीरियों के ऊपर जो तुमने जुल्म व जबर 2 साल से ढाया हुआ है वो ख़त्म कर नहीं देते हम तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। बिलावल साहब तड़ले कर करके वहाँ पे गए हैं अपने लिफाफी साफियों को साथ लेके गए हैं फिर जलील होकर वापस आए हैं। क्या है हमारे पास हम कश्मीर को क्या दे सकते हैं हम कुछ भी नहीं दे सकते किसी को। ग्राफ से और ये जितने भी चोर छोटे जो लीडर बन के चेयर पर बैठे हुए थे जो नेपोटिज्म की सरकार चल रही थी कि भाई ये जैसे पॉलिटिकल ग्राउंड नहीं है ये बिजनेस हो चुका है कि भाई एक उठेगा तो मेरा बेटा बैठेगा बेटा उठेगा तो बेटी बैठेगी ये नेपोटिज्म की सरकार को उन्होंने खत्म किया। तो आज भारत के प्रधानमंत्री ने ये साबित किया है ये प्रूव दिया है कि हम हर वो चीज नहीं होने देंगे जो गलत है और जो कानूनी तरीके से कानून की नजरों में पाप है गुनाह है क्राइम है। तो आज एक ऐसा व्यक्ति जो एक्चुअली में जानता है कि भूख क्या होती है जो जानता है कि खूबसूरत लग्जरियस घर में रहना कितना अच्छा लगता होगा जो जानता है कि आई विश हम भी बड़ी गाड़ियों में बैठते जो जानता है कि आई विश हम भी एसी रूम में रहते। तो एक ऐसे घर से आया हुआ प्रधानमंत्री है हमारा जिसने गरीबी को बहुत पास से देखा है जिसने गरीबी को सहा है जिसने भूख को सहा है। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री के छत्र छाया में हैं जो जिसको आइडिया है कि गर्मी में जब पसीना छूटता है तो कैसा फील होता है और एसी की हवा कैसी लगती है। तो यही एक रीजन है कि हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ अगर बिजनेसमैन के बारे में सोचा है तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन झोपड़ियों के बारे में नहीं सोचा जहां गैस चूल्हा होना चाहिए या उन गांव ग्राम के बारे में नहीं सोचा जहां पर पक्की सड़कें होनी चाहिए उन गांव ग्राम के बारे में नहीं सोचा जहां पर वाकई में शौचालय होना चाहिए था। तो छोटी से छोटी बात को और बड़ी से बड़ी बातों को हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इतना स्मूथली और इतनी खूबसूरत से मैनेज किया है जिसकी तारीफ अगर हम 24 घंटा भी करते रहे तो शायद कम हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। आप देखिए मुसलमान लड़कियों के गले में आवाज ही नहीं हुआ करती थी। आप आप 10 साल 8 साल आप पीछे चले जाइए तो मुसलमान औरतें कुछ नहीं बोल पाती थी। उन पर जितना भी अत्याचार हो जाए उन पर जितना भी मतलब एलिगेशन रखा जाए वो कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि उनका एक मात्र जरिया होता था अपनी वॉइस को रेज करने के लिए कि हम कोर्ट जाते हैं शायद कुछ हो जाए। अब रही बात कि जो लड़की तलाकशुदा होती है उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कोर्ट से जस्टिस लेकर के आए या सुप्रीम कोर्ट जाना या किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में जाना इतना बड़ा मतलब काम है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन लोगों को जस्टिस नहीं मिलती थी तब हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने 3 तलाक के बाद को उन्होंने अमेंड किया। साथ ही साथ फिर पॉक्सो में जुविनाइल रेप केस को अमेंडमेंट किया गया जो स्मृति ईरानी जी ने किया जो वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर की और माइनॉरिटी मिनिस्टर है। तो महिलाओं के जो टैक्स को हम लोगों ने कम करवाया बहुत ही कम करवाया जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। तो जितने लोग हैं वो अपने अपने पार्ट में गरीब से लेकर के अमीर तक के लिए काम कर रहे हैं कि किसी के भी मुंह से शिकायत ना आए। लेकिन देखिए कहावत है ना कि हम सबको कुछ नहीं कर सकते हैं और खास करके उनको कुछ नहीं कर सकते हैं जिनका दिमाग ही आतंकवादी हो। तो हमारे हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इंडस्ट्री है टेररिज्म का। हमारे हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की एक ऐसी गुट है और कुछ ऐसी पार्टीज है जो ऐसे मुसलमानों को अपने पॉकेट में रखती है जो यहाँ की शांति को भंग करे और करते हैं ऐसा लोग करते हैं। अभी हालिया में तो केरला स्टोरी आई थी तो मैंने कहा ना कि अगर मुसलमान वाकई में सुन्नत को मानता है वाकई में हदीयत को मानता है और वाकई में कुरान के 30 पारे को मानता है तो किसी मुसलमान को रेप नहीं करना चाहिए फिर किसी मुसलमान को तलाक नहीं देना चाहिए फिर किसी मुसलमान को मोलेस्टेशन केस में अंदर नहीं होना चाहिए। पर आंकड़ा क्या कहता है कि 80% ये तो सर्वे रिपोर्ट है कि 80% जो बलात्कारी है वो मुसलमान है मोलेस्टेशन के केस में सबसे ज्यादा मुसलमान जाते हैं। तो ये जो सुरक्षा कवच है ना इस्लाम मानने का और इस्लाम को खतरे में बताने का ये जस्ट सुरक्षा कवच है। देखिए हम लिबरल हैं लिबरल ही रहेंगे
हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है कि कौन कौन से कास्ट का है, कौन कौन से क्रीड का है। हमारे लिए ये मैटर करता है कि ये पूरा देश और इस पूरे देश का परिवार, जो मोदी जी की नजरों में परिवार कहा जाता है, जिसको वो परिवार मानते हैं, उसमें वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को देखना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये सारे लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़े। हर एक के पेट में चावल होना चाहिए, हर एक के पेट में भरपेट खाना होना चाहिए। बिजली की कमी हमारे यहाँ नहीं है, पानी की कमी हमारे यहाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कमी हमारे यहाँ नहीं है। मुसलमान लड़कियों को आज जितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, आप देखिए ना, आप लोग भी तो वो कश्मीरी लड़की के साथ, राणा के साथ आप लोग बैठते हैं, कितना खूबसूरत बोलती है वो। उसने हालिया में बंगाल के बारे में भी कहा कि कई टीएमसी की सरकार ने कई कई बीजेपी कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सबूही खान को देखिए, शाजिया इल्मी को देखिए, मुझे नाजिया लाही खान को देख लीजिए। तो आखिर ऐसा क्या रीजन है कि हम कांग्रेस के वक्त में मनमोहन सिंह की तारीफ बिल्कुल नहीं कर पाते थे, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ के लिए हमारे हमारे जुबान में मतलब हिचकिचाहट नहीं आती है। हम एक लय में, फ्लो में बोल सकते हैं कम से कम 5 घंटा उनकी तारीफ के लिए। तो कुछ तो वजह रही होगी ना, कुछ तो रीजन रहा है ना, क्योंकि हम बहुत फ्री फील कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अंदर से एक बैकबोन मिला है, एक ऐसा आइडियल मिल गया है, जिसके सामने अगर हम ये कहेंगे ना कि पॉलीगेमी बंद होना चाहिए, तो वो मानता है हमारी बात को, वो हमारी बात को सुनता है कि भाई हम हाँ ऐसा होना चाहिए, ये चीज बंद होनी चाहिए। तो ऐसा एक फ्रेंडली माहौल का जो लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए मन की बात करता है, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो बताए कि मन की बात करता हो बैठ करके रेडियो पर, जो लोगों से इंटरेक्ट करता हो, जो लोगों के घर पे फोन लगवा करके उनकी उनके घर की छोटी छोटी बच्चियों के बारे में सुनता हो। कश्मीर की एक बच्ची ने उनको एक ट्वीट किया कि मेरा स्कूल बनवा दीजिए, उन्होंने स्कूल बनवाया, उस बच्ची से बात की और फिर इनॉग्रेशन के बारे में बात की। तो ये कौन प्रधानमंत्री आज तक किया है? कोई प्रधानमंत्री नहीं करता है। अब आप अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ही बात कर लीजिए, 2 महीना पहले वो एक नेशनल न्यूज पर बैठ करके, पाकिस्तान की न्यूज पर बैठ करके वो कह रहे थे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो वाइफ है वो जादू टोना करती है, कच्चा मुर्गा जलाती है। तो ये सब ये डिफ्रेंसिएशन है, एक इलीट क्लासी, एक सुलझा हुआ प्रधानमंत्री और एक बेवकूफ नॉनसेंस प्रधानमंत्री में बहुत डिफ्रेंसिएशन है। मैम आपको क्या लगता है कि ओआईसी में डिवीजन में मतलब कश्मीर को लेकर ओआईसी में डिवीजन है, आप क्या समझती हैं? जो यानी कि ओआईसी के जो मेंबर्स कुछ आए हैं और कुछ नहीं आए, उसमें कश्मीर को लेकर क्या डिवीजन है? मतलब कश्मीर It's happened so many times. आप बहुत सारे ऐसे डिबेट्स होते हैं जिसमें हम बैठते हैं, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स होते हैं जिसमें फॉर टाइमिंग हम नहीं बैठ पाते हैं। हो सकता है कि महीने में 2 बार हम आपके साथ बैठ जाएं और हो सकता है 6 महीने में 1 बार भी ना बैठ पाए। इट्स नॉट मीन कि मेरे को रिबाह से प्रॉब्लम हो गया है, बिल्कुल नहीं। आज आप G20 की जो कश्मीर में मीटिंग हुई, 2 दिन का जो एक पूरा प्रोग्राम हुआ, आप सोचिए कि कश्मीर और श्रीनगर को कितना बड़ा प्रोपोगंडा पाकिस्तान ने बनाया, कितना बड़ा प्रोपोगंडा बनाया उन्होंने, अपनी हदें क्रॉस कर डाली उसको रोकने के लिए उस पर। देखिए हम अगर यहाँ पर देखें तो इजिप्ट को भी बुलाया था इंडिया ने, लेकिन वो भी नहीं आया। हालांकि इजिप्ट के रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं और बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो मतलब सेरेमनीज में इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, आके स्पेशल आते हैं और इनकी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बहाल है और बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं आपस में, लेकिन फिर भी इजिप्ट नहीं आया। सवाल ये है कि पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं हर एक इंसान की, क्या ये पूरी हो रही हैं पाकिस्तानियों की? इस टाइम जो है ना हालात क्रिटिकल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे हुकूमत वफाकी हुकूमत लगी है ये मियां शबाशी साहब की, तो वो दिन रात एफर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देंगे और इंशाल्लाह ताला पहले भी उन्होंने रिलीफ दिया है और इंशाल्लाह अब आइंदा भी वही रिलीफ देंगे। ओपन मार्केट में 300 प्लस का हो गया है, क्या रिलीफ मिल रहा है? खैर बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर के विजिट पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की है, रैली निकाल ली है, इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई है, उसको अपोज किया। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली उसने बिलावल भुट्टो ने भी जो है ना इस टाइम जो बाग में जलसा किया, उसने बिल्कुल क्लियर कट भारत को और मोदी को पैगाम पहुंचाया है कि इनके साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और G20 जो चाइना ने शिरकत ना करके
इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। और ये यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा सा करता चलूं कि सारे तमाम जो ओआईसी ममालिक है ना, इस्लामिक ममालिक, उन्होंने नहीं बॉयकॉट किया। ओमान भी गया है, यूएई भी गया है, इसके अलावा इंडोनेशिया और भी कुछ कंट्रीज हैं जो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान का जो मेन दोस्त है वो चाइना, जिसने चाइना ने अगर बॉयकॉट कर दिया तो हम भी चाइना के साथ हैं। चाइना देखें ना, वो अमेरिका के लिए खड़ा हुआ है ना वो भारत के लिए खड़ा हुआ है। चाइना अपनी पाकिस्तानी वाम के साथ खड़ा हुआ है और चाइना ने उन कश्मीरियों के वाम का जो तहफ़ है वो उसका बिल्कुल उन्होंने भरपूर किस्म का, यानी कि जो भारत को रद्दअमल दिया वो दिया। ठीक हो गया, मुझे ये बताएं, हमने अपोज किया उसके, उससे नुकसान क्या हुआ? G20 की मीटिंग तो पूरी हो गई, टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे काफी ज्यादा काम किया गया। इसके अलावा कई कंट्रीज ने इवन ये कह दिया कि हम वहाँ इंडिया साइड कश्मीर में जाके मूवीज बनाना चाहते हैं, मतलब अपना क्या नाम शूटिंग करना चाहते हैं। हमें क्या फायदा हुआ? उल्टा टाइम नहीं वेस्ट हुआ? 75 साल से जो नारा, जो हम रैलियां निकालते हैं, और उधर से जवाब ही आया कि आप पहले अपने बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान तो अपने लोगों को दे दो, अपने लोगों को फीड तो कर लो पहले। इंडिया साइड से ये रिस्पांस आया? देखें, इंडिया जोन है वो हमारा पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है, और आपको भी पता है कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे पहले वो पायलट गिराया अपना, और इसने पाकिस्तान को बेहद, यानी कि जोन ना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक के ज़ात ऊपर बैठी हुई है। इंशाल्लाह ताला ये रोटी कपड़ा मकान का ये वाम आपको इंशाल्लाह ताला थोड़े टाइम में खुशहाल नज़र आएगी, जैसे 2013-2018 में था, इंशाल्लाह ताला 2024 में और 2025 में भी इंशाल्लाह वाम खुशहाल नजर। इसके लिए गवर्नमेंट कौन से ऐसे काम कर रही है कि आप ये इतनी गारंटी से, इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में रिलीफ मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान के जो मसले हैं वो खत्म हो? मैं श्योरिटी नहीं देता, ये अल्लाह पाक की ज़ात है। देखें, मियाँ शबाशी दिन रात जो उनसे काम कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, वाम भी देख रही है, जिस तरह उनको मुल्क मिला है, मुल्क इमरान खान ने दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके सामने इमरान खान किसी झंडे पर आया हुआ और किसी झंडे पर वो काम कर, लेकिन मियाँ शबाशी, मियाँ नवाशी साहब जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये मैं नहीं, आप भी थोड़े दिनों तक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम नून जिंदाबाद। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसे सेम लग रहा है कि इंडिया किसके बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए उन्हें ऐसा को प्लान किया है। क्यों इंडिया प्लान करेगा? देखिए, पाकिस्तान को वैसे तो जाना चाहिए क्योंकि हमारी पहले ताल्लुकात बहुत ख़राब है बाकी मुल्कों के साथ। वैसे चीज़ ये है, जो हमारी पाकिस्तानी कौम है कश्मीर के मामले में ये बहुत ही पीछे हैं। अदरवाइज़ मैं खुद कश्मीर से हूँ, आज़ाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से। तो आज से आई थिंक 3-4 साल पहले जब कोरोना आया था तो हमारे कश्मीरी लोगों ने बहुत हेल्प उठाया, बहुत आवाज़ें दी कि पाकिस्तानी लोग आएँ हमारी मदद करें, लेकिन बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी पाकिस्तानी कौम आर्मी है, इसमें सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले जो भी हैं, ये सिर्फ 5 फरवरी जुम्मे जो जिद्दी मनाते हैं, बड़े जोर शोर के साथ कश्मीर की आवाज़ उठाते हैं, बट कश्मीर के हक की खातिर बिल्कुल नहीं लड़ते। जब हम लड़ते नहीं है कश्मीर के हक के लिए, हम आज़ाद कश्मीर को नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर हम संभाल लेंगे? कभी नहीं, आज़ाद कश्मीर नहीं संभाला जा सकता। नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन नहीं बन सकता जब तक हमारे मुल्क के हालात ऐसे रहेंगे, ऐसे हुक्मरान रहेंगे, ऐसी आर्मी रहेगी, कभी कुछ नहीं हो सकता। तो फिर हम इस जिद पे क्यों अड़ गए थे कि जी अगर G20 की मीटिंग जम्मू एंड कश्मीर में क्यों रखवाई गई है? वो तो हम उस मुल्क के लिए लड़ पड़ेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आज तक जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं किया। तो हम क्या करें फिर? आप देखें, हमारे मुल्क की इकॉनमी पीछे है, यूथ पीछे है, हर एक चीज़ पीछे जा रही है, लेकिन हम अपने कह लेंगे पर्सनल मुसीबतों को ही नहीं छोड़ पा रहे। मैं तो यही दुआ करता हूँ मैडम कि अल्लाह करे इस मुल्क में अच्छा सा कोई वज़ीर आ जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद जो भी मुल्क में है उसने मुल्क को लूटा है, अपनी जेब भरी और चला गया है। ऐसा कोई हुक्मरान हमें मिला नहीं आज दिन तक कि जो इस मुल्क के बारे में सोच रहे, जो भी आ रहा है अपने आप के बारे में सोच रहा है, अपने पॉलिसी के बारे, अपने ख़ानदान के बारे में सोच रहा है, अपने आवाम के लिए सोच रहा है, लेकिन मुल्क के लिए सोचने वाला कोई नहीं आया। और खुदा से यह दुआ करता हूँ कि बाहर का कोई अंग्रेज़ आके यहाँ पाकिस्तान पर हुकूमत ना करे।